कर दो। नमस्कार, पिछले एक सप्ताह से बारिश का दौर जारी है, जमाजम से रिमझिम बारिश हो रही है और राजसमंद शहर के साथ ही गांव ढाणियों में बारिश का दौर जारी है। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग तालाब, बांध और नदी नालों की अपडेट भी आपको दें और आज मैं बागेरी बांध की पाल के पास खड़ा हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बागेरी बांध जो छलक रहा है, इसमें अभी वर्तमान में 10 इंच की चादर चल रही है। पिछले अगर यूँ देखें कि सप्ताह भर से लगातार यही स्थिति बनी हुई है, लगातार बागेरी बांध में पानी की आवक बनास नदी में जारी है। ऊपर से ये जो बनास नदी है, इसका उद्गम स्थल कुंभलगढ़ के वेरों का मठ है, जहाँ से पहाड़ों से काफ़ी अरावली की पहाड़ियों से लगातार पानी की आवक बनी हुई है और इसी के चलते बागेरी बांध 10 इंच छलक रहा है, करीब 1 फीट के आसपास लगातार छलक रहा है। एक बार जरूर बीच में 1 फीट से ऊपर गया, उसके अलावा लगातार 10 इंच के आसपास की ये स्थिति है और इसी के चलते आगे ये पूरी रफ्तार के साथ बनास नदी बहते हुए आगे जा रही है और इसका पानी नंद समंद में पहुंच रहा है। अभी नंद समंद आज सुबह की जो रिपोर्ट है, सुबह 8:30 बजे की स्थिति देखें तो उस समय 28.5 फीट भर चुका है। नंद समंद जो 32 फीट भराव क्षमता है और 28.5 भर चुका है और इसके साथ ही लगातार पानी की आवक जारी है और ऐसी उम्मीद जताई है जा रही है कि 2 दिनों में नंद समंद भी छलक सकता है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं राजसमंद झील को जो भरने वाली खारी फीडर नहर है उसमें भी पानी छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा बनास नदी जो कि मातृकुंडिया को भी भरता है, ये जैसे नंद समंद छलकेगा उसके बाद ये पानी नाथद्वारा की तरफ आगे बढ़ेगा और मातृकुंडिया बांध को जो कि राजसमंद और चित्तौड़गढ़ की सीमा पर स्थित है। आप देखिए किस तरह का ये पूरा लाइव हम बांध कि किस तरह ये छलक रहा है। मुख्य रूप से लगातार आप देख सकते हैं ये बांध छलकते हुए दृश्य, आप देखिए किस तरह से ऊपर बादलों की ओट हैं, अरावली की पर्वतमाला हैं और नीचे ये छलकते बांध के साथ में कलकल करता ये पानी बह रहा है और उस बहते पानी के नज़ारे को देखने के लिए भी आप आल पर देख सकते हैं कई युवा और कई लोग बाहर से बड़ी तादाद में आ रहे हैं इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए, इस सेल्फी लेने के लिए भी होड़ मची हुई है। कई लोग इस बहते पानी को देखने का आनंद ले रहे हैं। देखिए ये देखिए जैसे बनास नदी है, यहाँ से जो बहकर ये पानी आगे की तरफ जा रहा है, ये बनास नदी बहकर नाथद्वारा की तरफ मुख्य रूप से ये पानी जा रहा है। कलकल बहता हुआ यह जो पानी है आगे नंद समंद को भरता है, नंद समंद के बाद ये चित्तौड़गढ़ ज़िले के मातृकुंडिया बांध को भरता है और मातृकुंडिया बांध के बाद ये पानी भीलवाड़ा होकर जयपुर के चिकलवास तक पहुँचता है और ये पानी की आवक लगातार बनी हुई हैं और ख़ास तौर से यहाँ पर चाट पकौड़ी की स्टालें भी लग चुकी हैं, भुट्टे भी यहाँ पर बिक रहे हैं और कई लोग यहाँ पर इस बहते पानी को देखने के लिए पहुँच रहे हैं। ये देखिए नज़ारा, यहाँ पर कई लोग आ रहे हैं और इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए पहुँच रहे हैं और इसी का ये छलकती बागेरी नाका पाल और ऊपर देख सकते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला, जहाँ पर बादल इस पर्वतमाला पर पर्वत पर देखिए किस तरह से बादल उतर आए हैं, यह अनोखा नज़ारा। और यहाँ का आप देख सकते हैं खुद कि किस तरह की आवाज़ यहाँ पर लगातार छलकते बांध की आ रही है। हम प्रयास करेंगे इसके करीब जाकर भी वहाँ के छलकते बांध के दृश्य आपको दिखाएं, लेकिन अभी ख़ास तौर से पानी की आवक काफ़ी बनी हुई है, सुरक्षा के दृष्टि से किसी भी व्यक्ति को पाल के नीचे जाने की फ़िलहाल अनुमति नहीं है। ख़ास तौर से अभी जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने भी आम जन से यही अपील की है एक दिन पहले ही कि कोई भी बहते नाले, नदी नाले या बहते झरने के नीचे कोई भी नहीं जाए, क्योंकि आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही देवगढ़ छाना क्षेत्र के ये निकट सोपरी बांध जो खारी नदी का है उस पर छलकते बांध में 3 बच्चे डूब गए थे जो 12 से 15 साल की उम्र के थे। और इस घटना के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने आम जन से यही अपील की कि बहते पानी के नज़दीक न जाएं और दूर से फ़ोटो या सेल्फी लें, बहते पानी के नज़दीक न जाएं। यही जयवर्धन न्यूज़ और लाइव राजसमंद की भी यही अपील है कि आप दूर से फ़ोटो खींचें, दूर से वीडियो लें, लेकिन बहते पानी में जाने की जोखिम न उठाएं।